हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप SBI सेविंग अकाउंट में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में जो प्रोसेस बताने वाला हूँ वो आप ब्रांच से कैसे अपने SBI का सेविंग अकाउंट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ब्रांच से कराना ही होगा तो हम ब्रांच में जाकर पता नहीं कर लेंगे। तो देखिए, नॉलेज छोटी हो या बड़ा, नॉलेज नॉलेज हो जाता है, आपको इसे ग्रैप कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे आप ब्रांच से SBI का सेविंग अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं। तो जैसे ही आप ब्रांच विजिट कीजिएगा तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो फॉर्म दिए जाएंगे, एक मल्टीपर्पज़ रिक्वेस्ट एप्लीकेशन और एक फॉर्म दिया जाएगा KYC फॉर्म। अगर आपका KYC ऑलरेडी हुआ भी है तो भी आपको ये फॉर्म फिलअप करना ही पड़ेगा, दोनों फॉर्म आपको फिल करने ही पड़ेंगे। कैसे फिल करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपर्पज़ रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 20 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 9 पॉइंट्स पर आप देख सकते हैं 4 SMS अलॉट, प्लीज़ प्रोवाइड SMS फैसिलिटी ऑन माई या आवर अकाउंट। इस पर आपको जो 9 पॉइंट पे जो बॉक्स बना हुआ है उस पर चेकआउट कर देना है, यानी टिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ कस्टमर, इस पर क्लिक कर, मतलब इस पर साइन करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि नाम डालना है, आपको अपना नीचे साइड दिखेगा कि सिग्नेचर ऑफ कस्टमर के नीचे आपको अपना नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, एड्रेस डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। इतनी सारी चीज़ फिल करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर साइड में अकाउंट नंबर का बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपको अपना डेट डाल देना है। इतना चीज़ करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक ब्रांच का नाम भी डाल देना है, वहाँ पे किस ब्रांच में है उसका नाम भी डाल देना है, जहाँ पे लिखा हुआ है टू चीफ या ब्रांच मैनेजर। उसके बाद आपको KYC फॉर्म कैसे भरना मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो इसके साथ आपको एक पैन कार्ड लगेगा और एक लगेगा आधार कार्ड, आप इसे दोनों का जेरक्स करा लीजिए और साथ में ओरिजिनल भी लेते जाइए, जिससे वो लोग एक बार वेरीफाई करते हैं। मे बी किसी किसी ब्रांच में करते होंगे या फिर किसी किसी ब्रांच में जेरक्स पे भी काम हो जाता है। तो KYC फॉर्म में क्या करना है कि आपको एक फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से डिटेल्स भरने हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भरना है, कस्टमर नेम भरना है, यहाँ पे आपको अपने पिताजी या मदर का नाम डालना है या वाइफ का नाम डाल सकते हैं। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ डालना है, पैन कार्ड डालना है और प्रेजेंट एड्रेस जो आधार कार्ड पे एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस के बाद आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर है तो डाल सकते हैं या फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप अपडेट कराना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आप यहाँ पे जो मल्टीपर्पज़ वाला फॉर्म है यहाँ पे आपको नीचे में वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपको अपडेट कराना है, मतलब नया वाला मोबाइल नंबर डालना है। पुराना वाला मोबाइल नंबर आपको कहीं भी नहीं डालना है, केवल नया वाला मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आप लिख दीजिएगा आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप साइन कर दीजिएगा और इस फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिएगा। इस फॉर्म को सबमिट होते ही लगभग 24 घंटे में ही आपके पास मैसेज आ जाएगा जो कि आप देख सकते हैं कि आपका जो है मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है चेंज हो चुका है। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, नॉलेजफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।